अगले कॉलर हैं रविशंकर जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सर। मैडम, नमस्ते भाईजान, सलाम वालेकुम जी। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। भाईजान, मैं रविशंकर मिश्रा बोल रहा हूँ, एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। जी, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है। भाईजान, मैं आपसे 2019 से जुड़ा हुआ हूँ आपकी कंपनी से, और आपके प्रोडक्ट को देखते रहता हूँ, आपके जो बताते रहते हैं नुस्खे, वो नुस्खे भी देखते रहता हूँ भाईजान, और लोगों को वो नुस्खे भी बताता हूँ, और आपकी कंपनी से दवा बुला करके भी देता हूँ। इसमें हमारी जो बहन रेखा है 36 नंबर, उनके माध्यम से बुला के मैं बहुत से लकवे वालों को सुधार चुका। आपकी जैतून का सिरका है, काला गोंद है, पिया गोंद है, ऐसी जो चीज लगती है वो चीज बुला कर देते रहता हूँ भाईजान। कितने लोगों को फायदा पहुंचाया होगा आपने? कम से कम भाईजान 10 से 12 आदमी ठीक हो गए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लोगों की सेवा की। अपना नंबर लिखवाना, फोन काटना नहीं, ये हमारे मीडिया कर्मी आपका नंबर लिखेंगे बात होने के बाद, काटिए नहीं। तो हमारे मीडिया कर्मी आपसे संपर्क करेंगे, आपका इंटरव्यू और सब कुछ जिन्हें चाहिए ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। और बताइए क्या सेवा? बढ़िया सर, कोई एक प्रॉब्लम, शुगर तो है मेरे को, इनने मेरे को नमक शिवरंजन भेज दिया, शिवरंजन भेज दिया साहब सर, तो उसको कैसा करना है बता दीजिए आप। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, नमक शिवरंजनी और नमक जैतून और नमक कलौंजी, ये तीनों चीज़ें एक सा काम करती है। जहाँ नमक जैतून की ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप इसे एक चुटकी एक वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी वही सलाहियतें रखता है जो नमक जैतून और नमक कलौंजी में है। स्वागत है आपका। से रोग के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी, वो मेरी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहती थी। बताइए हाँ मैम, क्या हो गया है दादी को? मेरी दादी का बाया साइड ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, 6 महीने हो गया, बहुत जगह से दवाई भी लिए हैं पर कोई असर नहीं कर रहा। टांग की साइड, पैरों में तकलीफ है? पैरों से पूरा कंधे तक, ठीक है, सिर ठीक तक, पूरा है बाया बेटा, साइड। ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, जो दादी की आपकी उम्र रही होगी तो 65 से 70 साल, और यहाँ अब ये होने लगा कि 40-45 के बाद किसी को भी ये दर्द शुरू हो जाता है, और किसी के पूरे हिस्से पर, आधे हिस्से पर, एक टांग में, किसी के पूरे कंधे से लेकर पैरों तक। तो इसको नसों का दर्द माना जा सकता है, नर्व का। तो दादी से कहें कि आराम किया करें, ज़्यादा काम ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए ज़रूरी चाहिए। ये कुर्सी वाला जो शौचालय होता है ये उनके लिए दवा से भी कीमती है, अगर नहीं है तो ज़रूर लगवा कर दें। और एक आता है काला गोंद, काला गोंद भी कहते हैं और गोंद स्याह भी कहते हैं, ये असली ख़रीद लें अपनी दादी के लिए। और इस ये एक रॉ मटेरियल है और नकली बहुत मिलता है, याद रखें। और इसको फिर तोड़ लें, ये रॉ मटेरियल है, पाउडर बना लें और आधा ग्राम या तो हनी में मिला के, शहद में मिला के, नाश्ते के बाद इन्हें खिला दिया करें, पानी से या दूध से आधा ग्राम बस, और रात को सोते समय, खाने के बाद भी ऐसा किया करें। शहद में मिलाकर, मलाई में मिलाकर, जैसे भी वो खा सकें, कड़वा बहुत होता है, और असली लेना ज़रूरी है तभी उनको फ़ायदा मुमकिन है। हरियाणा से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। मैम, मेरा 3 सवाल है। एक तो मुझे दिक्कत थी पहले सर, एसिडिटी की और कब्ज की दिक्कत थी काफी, तो मैं 3 महीने से नमक जैतून और वो जो चूर्ण बताते हो आप, 6 चीजों का पाउडर बताते हो, वो ले रही हूँ, तो उससे काफी फर्क था मेरे को, लेकिन अब 15-20 दिन से मुझे फिर थोड़ी दिक्कत, जैसे एसिडिटी में
दिक्कत हो रही है, और बाथरूम में भी थोड़ी जैसे जलन महसूस होती है इन दिनों में, 15-20 दिनों में। एक तो ये सवाल था। दूसरा सवाल है सर, मेरा बेटी है 18 साल की, उसको 15-20 दिन पहले बुखार हुआ था, और उसको अब ना थकान बहुत है, बिल्कुल बैठी बैठी कोई मतलब थकान महसूस करती है वो, एक उसके लिए आप कुछ बता दीजिए। और तीसरा सवाल है मेरा, मेरी माता जी है 65 साल की, उनके सिर में ना खून का दौरा कम बताया है, जैसे ईईजी करवाई पीछे 2 साल पहले, तो खून का दौरा कम था उनका, वैसे वो थायराइड के लिए आपका वो ले रही है, तो उनके लिए भी कुछ अगर सिर के लिए कुछ है इलाज तो वो बता दीजिए। और एक माचो नार की वो मंगवाया है सर, तो उसको खाने का तरीका थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक, माजू नारकेर 1 चम्मच सुबह निहार मुंह खाया जाता है, सुबह यानी खाली पेट 1 चम्मच खाएं और गर्म पानी या चाय पी लें, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 2 टाइम भी ले सकते हैं, रात को सोते समय भी ले सकते हैं, गर्म पानी से लेना बेहतर है। और वो बच्ची जो आपकी थकान महसूस करती है उसे कुछ खुराकें माजून आर केयर की खिलाएं, तो वो सेहतमंद उसका होना मुमकिन है। आपको जो परेशानी है ये, इसके लिए आप देखिए 5 बार गर्म पानी पिया करें, खूब गर्म जितना आप पी सकते हैं। और एक आता है अरंडी का तेल जिसे कैस्टोल ऑयल कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है, अच्छे से कोई ख़रीद लें, 100-200 ml की बोतल मिलती है इतनी बड़ी सी, वो ख़रीद लें और 1 चम्मच वो पिए, फीका होता है बिल्कुल, गाढ़ा ज़रा ज़्यादा होता है, कैस्टोल ऑयल या अरंडी का तेल कहते हैं, और उस पर गर्म पानी पी लें खूब गर्म, या चाय पी लें, तो आपकी ये परेशानी बहुत जल्द हल होना मुमकिन है। और क्या सवाल? मम्मी को लेके था, 65 साल की हैं, और सर में खून का कुछ उन्होंने जिक्र किया है। हाँ, खून का दौरान उनका कम है, जो दवाएं वो खा रहे हैं उसके साथ ही वो खाते रहें, और उसके साथ ही ये जो हल्दी आती है अपनी, हल्दी की 2 चुटकी हल्दी खिला दिया करें, किसी भी सूरत में खिलाएं, चाहे शहद में मिला के खिला दें, मलाई में मिला के खिला दें, और बस ये उनको और दें तो उनके खून का दौरान भी अच्छा होना मुमकिन है। हिमाचल से राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। सत्यम साहब सलाम। आदाब साहब, जय हिंद। सर मैं 4-5 दिन से ट्राई कर रहा था, बात नहीं हुई, मेरे को प्रॉब्लम हो गई सर, जा रहा है, गोंसिया तो ले रहा हूँ, फायदा है, लेकिन एक दूसरा आप नुस्खा बता रहे सर आपने, गोंद मोरिंगा और इसबगोल की भुस्सी वाला दूध के साथ, इससे मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम हो गई, पेट भारी भारी दर्द होने शुरू हो गई पेट में। ठीक, अच्छा वो नुस्खा आप रहने दें, कुछ वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन पेट की समस्या है आपको, तो पेट की समस्या के लिए कोई भी इलाज एलोपैथ भी ले सकते हैं, या नमक जैतून है आपके पास तो वो 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम जीरा बारीक पीस लें, और इसका 1 चम्मच खा के नमक जैतून का पानी पिएं, और बाकी दूसरा नुस्खा छोड़ दें, और एस्केर से आपको फ़ायदा है उसे पूरा कर लें, पूरा होते होते आपको पूरा फ़ायदा होना मुमकिन है। एमपी से है स्मृति, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। मैम मेरे अंगूठे ठंडे होते हैं और दर्द भी करते हैं पैरों के। अंगूठा? जी दोनों अंगूठे। कितनी उम्र है? 20। मेरी मम्मी के पैरों में दाग और मैं हेलो जी जी मेरी मम्मी के पैरों में दाग भी निकले हुए हैं काले काले। बेटा आपकी उम्र कितनी है बता? 20। 20। अच्छा आप ना ऐसे सीधे खड़े हो जाएं और पैर ऐसे मिला लें और घुटने भी पास में ले आएं और अपने पैर छूने की कोशिश करें बगैर घुटने मोड़े,
आप समझ गए मेरी बात, नहीं तो मैं एक बार और बोल देता हूँ। सीधे खड़े हो जाएं, पैर अपने ऐसे बराबर बराबर रखें, घुटने भी पास में रखें, गैप ना हो घुटनों में भी और पैरों में भी, और अपने पैर छूने की कोशिश करें बगैर घुटने मोड़े, सिर्फ कमर मुड़े, घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ने चाहिए। तो ये अगर आप दो चार बार दिन में करेंगे तो आप बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। और जो आपकी मम्मी के काले काले निशान हो गए हैं, उसके लिए अलसी खरीदें। अलसी को अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड कहते हैं। अलसी को ख़रीदें और साफ़ होनी चाहिए, कंकर बहुत मिलावट होती है उसमें, कंकर वगैरह साफ़ कर लें और उसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें। आधा चम्मच अलसी खाएं मम्मी, और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आता है दो गिलास पानी में मिलाकर वो लें, और आधे से एक चम्मच अलसी खा लिया करें रोज़ाना, बस एक बार। और ये अमल वैसे तो आपको जो मैंने बताया उसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, नहीं अगर नहीं हो आपको 15 दिन के अंदर फ़ायदा, तो ये मम्मी वाला नुस्खा आप भी ले सकते हैं, आप दोनों को फायदा मुमकिन है। देहरादून से हैं शशि जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम जी। नमस्कार मैम। मैम हकीम सर से बात करनी थी। जी शशि जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या सवाल। नमस्ते सर। आदाब, जय हिंद। सर मेरी एक लड़की है 13 साल की। सर इसको हमेशा सर्दी जुकाम खांसी रहती है, हर रोज नजला जैसा हो गया है। ठीक है, और तो कोई सवाल? इसका क्या उपाय हो सकता सर? देखिए यूनानी में इसके उपाय हैं, लेकिन जो लोग 5-6 महीने इलाज कर सकते हैं उनको फ़ायदा मुमकिन होता है। एक घरेलू नुस्खा जो बहुत प्रचलित और बहुत चर्चित है, जिसने बेशुमार लोगों को फ़ायदा दिया, आप भी लिख लीजिए। देखिए एक चीज़ आती है सपिस्तान, सपिस्तान एक दवा का नाम है, और एक और दवा है जिसका नाम है उन्नाब। उन्नाब ये दो दवाएं हो गई, सपिस्तान उन्नाब, और अलसी तो तमाम महिलाएं जानती हैं अलसी क्या होती है। ये 100-100 ग्राम ले लें, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100-100 ग्राम ख़रीदें। और एक नुस्खा है, एक चीज़ आपके घर में ही मिल जाती है अक्सर, पीपले या पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये 30 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें और इसमें जो उन्नाब है उसकी गुठली निकाल कर पाउडर बना लें। अब ये पाउडर जो सफ़ूफ आपने बनाया है पाउडर, ये 1 चम्मच सुबह ही बच्ची को खिला दें, गर्म पानी या चाय पिला दें इसके बाद। अच्छा, ऐसे बच्चों को दूध भी नुकसान देता है और खट्टी चीज़ें छोड़ने ज़रूरी है। खट्टी चीज़ें बच्चियाँ यह महिलाएं बहुत शौक से खाती हैं, लेकिन 5-6 महीने के लिए छोड़ दें तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है। ये सुबह एक खुराक दें, और ज़्यादा होता है तो रात को भी एक खुराक दे सकते हैं, इसी तरह आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है। झांसी से हैं कुलदीप जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। नमस्कार सर। मैम मेरी बात हो सकती है क्या सर से? जी आपसे बात हो रही है, स्वागत है आपका। सर नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है। सर मेरी मम्मी को गठियावाय और शुगर की प्रॉब्लम है। ठीक है, कितनी उम्र है? मम्मी की उम्र है सर 45 ईयर। अच्छा, देखिए गठिया के लिए 5-6 महीने दवा खाने के लिए तैयार रहें। वो नुस्खा बताता हूँ घरेलू, आप समझ लें तो फ़ायदा हो सकता है। देखिए वो आता है गौंद स्याह, एक आता है काला गौंद, जिसे गौंद स्याह कहते हैं हम लोग, स्याह माने भी काला है, लेकिन याद रखें ये नकली बहुत मिलता है, असली ख़रीद लें और बस 100 ग्राम काफ़ी होता है अगर असली मिल जाए, नकली लेंगे तो 1 किलो भी बेकार है। इसको असली लेना आपकी जिम्मेदारी, इसको ले लें 100 ग्राम, और आप लें 300-400 ग्राम ख़रीद लें अलसी। अलसी मम्मी आपकी ज़रूर जानती होंगी, वो अलसी हल्का सा भून लें और पाउडर बना के रख लें।
अब इसको खाना इस तरह है कि आधा ग्राम गौंसिया का पाउडर अलग रखें और 1 चम्मच या आधा चम्मच अलसी में मिलाकर रोज़ाना नाश्ते के बाद खाएं, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद। ये इनका तकरीबन 5-6 महीना ये नुस्खा चलता है, और अगर ये खट्टी चीज़ भी नहीं खाएं तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। इनको वेस्टर्न टॉयलेट का प्रबंध ज़रूर करें, अगर आपके घर में नहीं हो ऐसा कुर्सी वाला शौचालय तो उसका प्रबंध ज़रूर कर दें, और ज़्यादा मेहनत करने को मना करें, जैसे झाड़ू पोछा करती हैं महिलाएं अक्सर, तो उसको मना कर दें। अब शुगर का देखिए, बहुत सारे इलाज हैं, उसको कंट्रोल रखना होता है, शुगर कभी अच्छी नहीं होती है। जो दवाएं खाते हैं वो भी खा सकते हैं, और एक आता है जामुन का गोंद ले लें और उसको भी पाउडर बना के रख लें, ये भी रॉ मटेरियल है। एक चुटकी सुबह खा लें नाश्ते से पहले, एक चुटकी रात को खा लें खाने से पहले पानी के साथ, तो शुगर भी उनकी कंट्रोल रहना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। जी मैम, आपका नाम क्या है? शाहजहाँ खातून। जी, आपका सवाल? ये थायराइड का प्रॉब्लम है, उसको जड़ से कैसे खत्म करना? ठीक है जी। शाहजहाँ, देखो, आप जो दवा खाते हो थायराइड की, वो खाना भी ज़रूरी है, लेकिन एक नुस्खा बड़ा अच्छा है अगर आप इस्तेमाल करें इसके साथ में। देखिए, धनिया खरीदें 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम और आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, इसको खूब बारीक पाउडर बना लें, और सुबह को आप खाते ही हैं ये थायराइड की गोली, वो खा लें, और उसके बाद ये जो आपने पाउडर बनाया है, एक खाना किस तरह है, 1 चम्मच इसको खाना है, और एक आता है नमक जैतून 1 चुटकी 2 गिलास पानी में डालें, और ये नुस्खा खाकर 1 चम्मच छोटा चाय का चम्मच ये 2 गिलास पानी पी लिया करें, दिन में एक बार, या रात को भी पी सकते हैं, 2 बार ज़्यादा जल्दी है आपको तो रात को भी एक एक चम्मच ले लिया करें, और फिर हर महीने आप अपने थायराइड का टेस्ट करा सकते हैं 2 महीने में, और पुरानी और नई रिपोर्ट देखा करें, आपको बहुत खुशी होगी, आपके डॉक्टर को भी, कि आपका थायराइड बहुत तेजी से लेवल की तरफ बढ़ रहा है और आपको फायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से है सुदर्शन जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम। जी सर। मैम जो है ना, मेरे को जो ना बाथरूम होने में जो ना तकलीफ होती है, काफी देर के बाद होती है, धीरे धीरे रुक रुक के, खुल के नहीं होती है, बदबू भी बहुत आती है। ठीक है जी। कोई भी पेट का रोग हो तो एक नुस्खा बहुत ही कामयाब है, घरेलू नुस्खा है। बवासीर हो, लैट्रिन रुक रुक के होती हो, एक साथ ना होती हो, एसिडिटी हो, कब्ज़ हो, बदबूदार होती हो, इन्फेक्शन हो, हाजमा ठीक ना हो, लीवर अच्छा ना हो, किडनी अच्छी ना हो, इन सब के लिए बहुत, पूरे पेट के सिस्टम के लिए, और तकरीबन 10 रोगों में काम आने वाला नुस्खा मैं अक्सर बताता हूँ, और ये आसान भी है। आपके किचन की चीज़ें हैं ज़्यादातर, देखिए, सौंफ लें 100 ग्राम, सौंफ, सौंठ, जीरा, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, मेथी का दाना, फिर एक बार बोल देता हूँ, कभी आप नहीं लिख पाए हों, ये सब 100-100 ग्राम लेना है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रख लें, और ये जहाँ तक पहुँच गया वो लोग अपने घरों में इसको तैयार रखते हैं, क्योंकि इन 10 रोगों का मरीज किसी भी घर में कभी भी होता है। तो इसको आप एक खाना कैसे पाउडर बना के रख लें। एक आता है नमक जैतून दुनिया का एक विशेष नमक है, जो नमक जैसा ही दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता, मतलब स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये 100 ग्राम खरीद के अलग रख लें।
अब ये एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए, 2 गिलास पानी मिलाए, मिल जाता है आसानी से, वो पानी का स्वाद भी नहीं बदलता। और ये आप जो पाउडर बनाया 6 चीज़ों का, ये 1 चम्मच खाएं और ये पानी 2 गिलास पी लें। अच्छा नुस्खा है, जिनको भी इन 7-8 रोगों में से कोई रोग हो, इन्फेक्शन हो, लैट्रिन सही नहीं आती हो, टाइम पे नहीं आती हो, कब्ज़ हो, बवासीर हो, इन्फेक्शन हो, एसिडिटी हो, किडनी में इन्फेक्शन हो, पेशाब में इन्फेक्शन हो, या लीवर में इन्फेक्शन हो, या स्किन में इन्फेक्शन हो, यानी स्किन के रोगों में भी बहुत फ़ायदेमंद है, किसी को मुहासे निकलते हो उसमें भी आप इसे ले सकते हैं।